नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन बीएचयू पाठशाला पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम ही सरल है, जिसका नाम है वॉच। आप इसको इंग्लिश में जानते होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यही हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस मतलब कर्ता वॉच, पैसिव वॉइस मतलब कर वॉच, और हिंदी में एक तीसरा आ जाता है भाव वॉच। तो वॉच का मतलब होता है कहना या बोलना। जैसे मैं खुद ही बोलूं या खुद ही कोई काम करूं, वो कहलाएगा एक्टिव वॉइस, और वो काम मेरे द्वारा जब हो जाए तो वो कहलाएगा पैसिव वॉइस, और वो काम जब मुझसे न हो पाए तो वो कहलाएगा भाव वॉच। इन्हीं बातों को हम देखते हुए आपको समझाने की हम कोशिश करते। देखिए, वाच वाच का मतलब होता है कहना या बोलना, कहना या बोलना, बोलना। वाच्य का मतलब होता है कहना या बोलना। अब बोलने के लिए ये वाच्य के प्रकार की बात करें तो वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। प्रकार वाच्य के तीन होते हैं। पहला होता है कर्तावाच, जिसे वो कहते हैं कर्तृवाच। दूसरा होता है कर्मवाच। तीसरा होता है भाववाच। भाववाच ये तीन वाच्य होते हैं। जैसे देखिए, इनका सीधा सीधा ये इसमें क्या नियम होगा, जब कोई काम सीधे तौर पे किसी कर्ता की, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। इसमें कर्ता का आप कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, तो कर्ता ने चिन्ह होता है, तो इसमें ने चिन्ह आएगा, ने चिन्ह आएगा। अगला क्या पॉइंट है, इसमें इसमें अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रिया आती है, दोनों क्रिया आती है। अकर्मक का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें कोई कर्म हो ही ना, जैसे वह रोता है, ठीक ना, वह रोता है, वह खेलता है, तो ये जैसे मैं बोलूं वह खेलता है, वह खेलता है। इसमें आप देख रहे कहीं भी कर्म नहीं है, अगर कर्म नहीं है तो ये खेलना कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, ठीक ना, फुटबॉल। तो यहाँ पे आ गया फुटबॉल, तो ये क्या कहलाएगा, सकर्मक। जब भी हमें क्या का उत्तर मिल जाए कि क्या करता है, ठीक ना, क्या खेलता है, मैंने दिया, क्या दिया नहीं पता, ठीक ना, मैंने उसको लैपटॉप दिया, तो जब आपको पता चल गया क्या दिया तो वो कहलाएगा सकर्मक क्रिया। जब कर्म का पता चले तो सकर्मक, ना पता चले तो अकर्मक क्रिया, इन्हीं को कहते हैं। तो इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया आती है। कर्मवाच्य की बात करें तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, होती है, होती है। और इसमें द्वारा चिन्ह आता है, द्वारा चिन्ह से या द्वारा आप जाने, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण द्वारा चिन्ह आता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें कर्म आ ही रहा है तो अकर्मक क्रिया तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि तो कर्म की प्रधानता है, जिसमें कर्म आता है उसमें कौन सी क्रिया आती है, सकर्मक। इसमें केवल, इसमें केवल सकर्मक क्रिया आती है, सकर्मक क्रिया आती है, आती है, ठीक है। अभी मैं सबका एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसमें जब कार्य का न होना पाया जाए, होना पाया जाए, ठीक ना, इसका पहचान क्या है, इसमें न, ना, नी या निषेध वाक्य आएगा, निषेध वाक्य आएगा, यही यही आपका वाच्य है, ठीक ना। तीनों का एग्जांपल मैं लिखा हूं। कर्ता वाच, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब देख रहे हैं सकर्मक क्रिया है, क्या खाता है, आम खाता है, जब क्या का पता चल गया तो कहलाता है सकर्मक क्रिया।
राम आम खाता है, इसमें राम के बारे में बात की गई, राम प्रधान है, इसलिए कौन सा वाच्य होगा? कर्ता वाच्य। आम राम के द्वारा द्वारा खाया जाता है, जाता है। आप देख रहे हैं ये जो आपका कर्म था यही कर्म है, ये कर्म है और ये है कर्ता, ठीक ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे कर्म पहले आ गया, ठीक ना, और कर्ता बाद में, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रधान हो गया? कर्म। और मैंने लिखा है कि इसमें क्या चिन्ह आएगा? द्वारा, द्वारा चिन्ह भी आ गया, तो इसीलिए कहते हैं इसको कर्मार्थ। अब देखिए राम से आम नहीं खाया जाता। अभी मैंने बताया कि ना नी ने आएगा, निषेध वाक्य आएगा यहाँ पे, तो नहीं आ गया। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उससे खड़ा नहीं होया जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, जितने भी जिस सेंटेंस में जो भी आप वाक्य बोलेंगे उस वाक्य में पता चलेगा कि वो काम हो ही नहीं पाया है। जब काम न हो पाए तो भाववाच्य चल जाता है। तो हमें लग रहा क्लियर हो गया। फिर से देखिए यहाँ से बस तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन एकदम 100% आने वाला है वाच्य। वाच्य का मतलब होता है बोलना या कहना, ठीक ना, कहना। अब ये वाच्य होते हैं तीन प्रकार के। पिछली बार तो पुलिस को पूछा गया था, बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। या तो आपको एक एग्जांपल देके पूछेगा ये कौन सा वाच्य है, जैसे पूछा था उसे चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है चला नहीं जाता, जहां नहीं आ गया वो कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। तीनों का एग्जांपल देखे, कर्ता वाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक ना, जैसे राम आम खाता है, सचिन खेलता है, ठीक ना, मछली तैरती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये सारे जब कर्ता की प्रधानता होगी तो क्या कहलाएगा? कर्ता वाच्य, ठीक ना। ये जब उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? पत्र। उसके द्वारा, उसके द्वारा लिखा गया, लिखा गया। अब द्वारा चिन्ह आ गया तो यही क्या बन गया? यही बन गया कर्माच्य। जब भी द्वारा चिन्ह आ जाए वो बन जाएगा कर्माच्य। जो काम किसी के द्वारा हो वो कर्माच्य कहलाएगा, ठीक ना, और जो उससे काम ना हो पाए वो भाववाच्य कहलाएगा। तो इतना ही वाच्य है, आपको वाच्य में एकदम आराम से पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, और यहां से आपको एक नंबर एकदम 100% आना है। वाच्य के बारे में या तो वाच्य के प्रकार पूछे जाएंगे या तो आपको एक एग्जांपल देके पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा वाच्य है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सीता से दौड़ा नहीं जाता, तो बताइए कौन सा वाच्य? सीता से दौड़ा नहीं जाता। अब सीता से दौड़ा नहीं जाता मैंने बताया, ठीक, जहां पे निषेध वाक्य आएगा, जहां पे क्रिया का न होना पाया जाए वो कहलाता है भाववाच्य, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप वीडियो को समझे होंगे, तो इसको आप समझ लीजिए अच्छे से और वीडियो को फिर से देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो पक्का समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और ये टॉपिक है, एक नंबर का 100% आने वाला है। ऐसे करके आपको पूरे लेक्चर, आपकी पूरी जो है वीडियो आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है, धन्यवाद।